Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 8 of software construction. In the last lab, we discussed about Swing library, and we saw some classes which are included in Swing library, and I told you how to use those classes. First of all, we started with JOptionPan, and I showed you some methods in JOptionPan which are used, some static methods. For example, show dialog message, show confirmation message, and show input message. And in that messages, we saw that how dialog boxes are created using Swing. And then we also look at some methods which are commonly used in all components. And we saw the examples of those methods, and I told you how you can use them with with components. And then we discussed JFrame. We looked at JFrame, and I show you some methods which are used in the JFrame, and I also told you why JFrame is used. So, Janab, uske baad hum isi hi Swing GUI Builder ke part 2 ki taraf aate hain. Us part 2 mein ab hum kuch aur components dekhenge, aur hum kuch frames dekhenge, kuch aur containers dekhenge, theek hai, aur unki asal programming dekhenge ki unko aap kaise kar sakte hain. अच्छा अब जे बटन और जे लेबल को हम देखते हैं. द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट अ बटन इज अ क्लिकेबल ऑन स्क्रीन रीजन दैट द यूजर इंटरैक्ट्स विद टू परफॉर्म अ सिंगल कमांड. तो बटन किस लिए यूज होते हैं कि ये देखें बटन्स बने हुए हैं डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स के. तो सबसे ज्यादा जो कॉमन कंपोनेंट है ना अगर आप बात करें तो वो बटन ही है. ठीक है जी. और इसके अंदर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक के थ्रू कभी कभी आप कोई इनपुट देते हैं और कभी आप सिंपली कैंसिल करने के लिए क्लिक करते हैं. तो मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए बटन यूज हो सकते हैं. अ टेक्स्ट लेबल इज सिंपली अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इन अ ग्राफिकल प्रोग्राम. लेबल्स ऑफन गिव इंफॉर्मेशन और डिस्क्राइब अदर कंपोनेंट्स. अच्छा आपने कभी कभी देखा होगा कि कंपोनेंट्स हैं और उनके नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है. अब ये जो है ना जिस तरह ये देखें लुक इन, ये जो टेक्स्ट सेपरेटली कहीं पे भी लिखा होता है ना, ठीक है, वो ना बटन की शक्ल में होता है ना टेक्स्ट फील्ड की शक्ल में होता है ना मैंने वो सिंपल स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस के ऊपर. फॉर एग्जांपल देखें आपने नेम लेना है, ठीक है, एक फॉर्म सा बनाया आपने इंटरफेस पे जो कि नेम ले रहा है, एड्रेस ले रहा है, फोन नंबर ले रहा है, ठीक है, एंड में वो सबमिट हो रहा है सारा रिकॉर्ड. तो आप नेम लेने के लिए क्या बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे जिसके अंदर वो नेम एंटर करेगा यूजर. लेकिन उससे पहले आप लिखते होते हैं नेम नेम और आगे ये आप डबल डॉट्स लगाते हैं नेम के आगे, ठीक है, और इसके आगे वो टेक्स्ट फील्ड बना होता है. ये सिर्फ बताने के लिए होता है कि इस टेक्स्ट फील्ड में नेम एंटर करना है. तो ये जो चीज आप लिखते हैं ना ये कैसे करेंगे, ये क्या चीज है, ये लेबल है. लेबल भी एक कंपोनेंट ही है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट अपेयर होता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती. जिस तरह बटन की एक बाउंड्री सी होती है, इनपुट बॉक्स की भी एक बाउंड्री सी होती है, कुछ नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट अपेयर होता है. पब्लिक जे बटन और पब्लिक जे लेबल, इसके अंदर क्रिएट्स अ न्यू बटन लेबल विद द गिवन स्ट्रिंग एज इज टेक्स्ट. तो जे बटन मेथड और जे लेबल मेथड जो है वो आपके लिए कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं बटन टाइप का और लेबल टाइप का. तो ये दो मेथड्स हैं, मेथड्स ही है ना. ये देखें एक एक चलें ये चीज शायद आपको पता हो, ठीक है, लेकिन मैं ये छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ तो शायद आपके काम आए जिस किस्म की भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे. अब देखें ये कोड कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बंदे के लिए, बंदे को समझ नहीं आ रही कि ये पब्लिक है और आगे ये जे बटन लिखा हुआ है, ये मेथड का नाम है, क्लास का नाम है. तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो अगर आप जहन में रख लें, एक फार्मूला है कि जिस आपका इस तरह के कोड के अंदर आपको ये वाली चीज नजर आए ना पेरेंथेसिस और उसके पीछे कोई नाम लिखा हो तो आप फौरन समझ जाए ये मेथड है. तो ये देखें जे बटन है, आगे क्या चीज है, पेरेंथेसिस. पेरेंथेसिस जो है ये मेथड शो करती. हाँ अगर पेरेंथेसिस ना हो, ये वाली ब्रैकेट्स ना हो और करली ब्रैकेट हो जे बटन के बाद, तो वो क्या होगा कि ये क्लास है.
जारी बात है उसके इस नाम से पहले क्लास का वर्ड भी लिखा होगा। लेकिन अगर क्लास का नाम किसी ने ओमेट कर दिया है, सिर्फ नाम लिखा और आगे कर्ली ब्रैकेट, तो वो क्या होगा? क्लास होगा। और ये जिसके आगे ब्रैकेट लिखी हुई ये मेथड है, तो इसका मतलब है हमारे पास दो मेथड मौजूद हैं। तो एक आपके लिए बटन बनाता है और ब्रैकेट के अंदर आप वो टेक्स्ट दे सकते हैं जो कि बटन के ऊपर अपेयर होगा, और एक आपके लिए जे लेबल बनाता है। तो जे लेबल के अंदर लेबल क्या जो आप देना चाहते हैं, जिस तरह का ये लुक इन है, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे? लुक इन। तो ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह एक और मेथड है गेट टेक्स्ट, रिटर्न्स द टेक्स्ट शोइंग ऑन द बटन। हाँ, आपने एक बटन बना लिया, ठीक है जी, आपने एक बटन बना दिया। अच्छा, ये जरा और कीजिएगा, ये क्या चीजें हैं? ये जे बटन और जे लेबल मेथड्स हैं, लेकिन ये किन क्लासेस के मेथड्स हैं? जे बटन क्लास और जे लेबल क्लास के। और अगर किसी मेथड का नाम क्लास जैसा हो तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर्स। तो ये बेसिकली दो कंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपके लिए जे बटन बनाते हैं और जे लेबल बनाते हैं। जहरी बात है कंपोनेंट जो होगा ना वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आप जब जे बटन का कंपोनेंट बनाएंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये वाले कंस्ट्रक्टर्स कॉल करते हैं। रिमेम्बर कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं जे बटन, फिर अपने बटन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उससे कहते हैं बटन वन, बटन वन कह दिया इज इक्वल टू न्यू का वर्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, न्यू का वर्ड लिखते हैं और फिर आगे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है? जे बटन, और फिर उसके अंदर टेक्स्ट में आप बता दें कि जो आप उसके ऊपर टेक्स्ट अपेयर करना चाहते हैं। इस तरह आपके आपके जो जे बटन कंपोनेंट है वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चीज़ आ गई जो चीज़ आपने यहाँ पे दी है। अब उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था जो हमें अभी हमने बताया, बटन वन, बटन वन को यूज करते हुए आप उसके ऊपर जो टेक्स्ट दिया हुआ ना, जो टेक्स्ट आपने यहाँ दिया था, वो आप टेक्स्ट ले भी सकते हैं, आप देख सकते हैं आपने क्या टेक्स्ट दिया था। तो आप बटन वन डॉट गेट टेक्स्ट लिखें तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? द टेक्स्ट शोइंग ऑन द बटन। या फिर जे लेबल है तो इसका लेबल वन डॉट गेट टेक्स्ट, तो आपको क्या बताएगा कि जो इसके ऊपर टेक्स्ट अपेयर हो रहा है। अच्छा, पब्लिक वॉइड सेट टेक्स्ट। अच्छा, अगर तो आपने ये टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, या पहले आपने टेक्स्ट नहीं दिया था अब देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? बटन वन डॉट सेट टेक्स्ट और इसको कोई टेक्स्ट बता दें, ठीक है जी। इसी तरह जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया। अ टेक्स्ट फील्ड इज लाइक अ लेबल एक्सेप्ट दैट द टेक्स्ट इन इट कैन बी एडिटेड एंड मॉडिफाइड बाय द यूजर। टेक्स्ट फील्ड्स आर कॉमनली यूज फॉर यूजर इनपुट वेयर द यूजर टाइप्स इंफॉर्मेशन इन द फील्ड एंड द प्रोग्राम रीड्स इट। टेक्स्ट फील्ड जो है ना वो बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे आप लेबल लिखते हैं, लेकिन लेबल को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो जैसे क्लिक करेंगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। टेक्स्ट फील्ड भी बिल्कुल जे लेबल की तरह होती है, उसके अंदर आप कोई भी चीज डालें वो अपेयर भी हो जाएगी। ये देखिए ना, इस तरह अपेयर भी हो जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे वो क्लिक वाली बार आ जाएगी, और उसके थ्रू आप बैक स्पेस दबाएं तो ये जॉर्ज वाशिंगटन जो है डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह आप कोई और नई चीज एंटर करेंगे। आपने देखे होंगे ऐसे। तो जनाब, इसके अंदर आप उसको इरेज करके कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं। अ टेक्स्ट एरिया इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है पब्लिक। अच्छा, अब टेक्स्ट एरिया ये है, इसको आप टेक्स्ट एरिया कहेंगे, इसको आप टेक्स्ट फील्ड कहेंगे, ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते ही हैं। हाँ, अगर उसमें मल्टी लाइन है तो वो टेक्स्ट एरिया है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इन दोनों को क्रिएट करने का क्या तरीका है कि जे टेक्स्ट फील्ड कहेंगे तो इसके अंदर आपको कॉलम्स बताने, कितने कॉलम होने चाहिए, और जे टेक्स्ट एरिया का मेथड, ये भी जे टेक्स्ट एरिया
का कंस्ट्रक्टर है, उससे क्या होगा, जे टेक्स्ट एरिया बन जाएगा, उसके अंदर आप लाइन भी बताएंगे और कॉलम्स भी बताएंगे। कॉलम से ये पता चलेगा ये कितनी इसकी विड्थ, ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप कॉलम बढ़ाते जाएंगे तो ये इतना ही लंबा ये टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा। सिमिलरली चूंकि टेक्स्ट एरिया जो होता है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड ही होता है, तो उसके अंदर भी आप कॉलम बताएंगे तो वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन उसके अंदर आप लाइंस भी बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी लाइंस आ सकती हैं। क्रिएट्स अ न्यू टेक्स्ट फील्ड दैट इज अ गिवन नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स देखें क्या चीज़ है, लेटर्स। बेसिकली ये जी एक कॉलम है, ई एक कॉलम है, ओ एक कॉलम है, आर जी ई, ठीक है, और ये जो बैक्स, ये जो बीच में स्पेस है ना, ये भी एक कॉलम है। तो ये देखें, ये सारे कॉलम्स ही हैं, ठीक है जनाब। पब्लिक स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट, अब इसी तरह जिस तरह आपने लेबल और बटन के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, इसी तरह इनमें के जो अंदर जो वैल्यूज दी हुई है ना वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यूजर इसको एडिट कर सकता है, ठीक है, वो इधर क्लिक करेगा और इसको वो सिलेक्ट करके और डिलीट कर दे और इसके अंदर कोई चीज़ और नई ऐड कर दे। अब जो उसने ऐड की है ना वो आप ले भी सकते हैं और उसको अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यही चीज़ नेम लिखें, नेम का एक लेबल लिखें डॉट, और आगे ये वाला आप एरिया दे दें, और उसके अंदर यूज़र क्या इनपुट करेगा, अपना नेम इनपुट करेगा, वो नेम आप ले भी सकते हैं। कैसे, आप इस जे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये आपको इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना वो रिटर्न हो जाएगा, उसको आप यूज कर लें। समझ आ रही है बात। इसी तरह टेक्स्ट एरिया के अंदर भी जो टेक्स्ट आएगा वो भी आप ले सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट एरिया वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। अच्छा, आप सेट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, सेट फील्ड्स टेक्स्ट टू बी द गिवन स्ट्रिंग। देखिए, शुरू में ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए, आप चाहते हैं कि शुरू में जॉर्ज वाशिंगटन लिखा हुआ हो, बाद में यूजर इसको क्लिक करके कोई डिलीट करके जो कुछ एंटर करना चाहे, तो ऐसी सूरत में आप इसके ऑब्जेक्ट को डॉट सेट टेक्स्ट कर दे तो ये वाला टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू वॉन्ट दिस टेक्स्ट टू अपेयर इन दिस टेक्स्ट एरिया, वट यू कैन डू इज दैट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट एंड यू कैन गिव दिस टेक्स्ट एंड दिस टेक्स्ट विल अपेयर इन हेयर, ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास है जे चेकबॉक्स और जे रेडियो बटन। चेकबॉक्सेज भी आपने देखे होंगे इंटरफेसिस के ऊपर, चेकबॉक्सेज देखे हैं, तो उस तरह का चेकबॉक्स अगर आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं, अ चेक बॉक्स इज अ टॉगलेबल बटन विद टू स्टेट्स, चेक्ड एंड अनचेक्ड। इसकी एक स्टेट होगी एम्प्टी होगा और एक होगी कि चेक होगा। अ रेडियो बटन इज अ बटन दैट कैन बी सिलेक्टेड यूजली पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रेडियो बटन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि उनमें से सिर्फ एक यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी वो दो से ज़्यादा नहीं। अगर आपने ऐसी ऑप्शंस हैं कि आप चाहते हैं कि ऑप्शंस देखें, ये दोनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अगर आपने चार ऑप्शंस दी हुई हैं और ऊपर आपने कहा हुआ है कि इन चारों ऑप्शंस में से अपनी रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो अगर तो वो ऑप्शंस ऐसी हैं कि उनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट हो सकती है, तो ऐसी सूरत में चेक बॉक्सेस दिया जाता है, क्योंकि चेक बॉक्सेस एक से ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं, सारे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपने चार पांच ऑप्शंस दी हुई हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो ऐसी सूरत में आप रेडियो बटन ऐड करते हैं, क्योंकि रेडियो बटन हमेशा एक सिलेक्ट होता है। ये देखें, वन सिलेक्टेबल एट अ टाइम। अगर चार ऑप्शन है ना, डॉग, ओके फॉर एग्जांपल आपने सवाल किया कि व्हाट इज योर ओनली पेट, कि आपके पास जो एक पेट है वो कौन सा है, अब हमने एक की बात की है तो वो एक ही होना चाहिए ना, तो डॉग, कैट, हॉर्स, तीन ऑप्शन है।
तो तीनों के ऊपर ये रेडियो बटन बने हुए हैं, तो आप डॉग को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी दो सिलेक्ट नहीं होंगे, या फिर डॉग को सिलेक्ट किया हुआ है उसके बाद आपने कैट को सिलेक्ट कर दिया तो डॉग वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सिलेक्ट होना। तो अब ये आपके ऊपर होता है कि आप जिस तरह का इंटरफेस बना रहे हैं और उसमें जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक आपको चेक बॉक्सेस चाहिए या रेडियो बटन चाहिए। अच्छा, पब्लिक जे चेक बॉक्स जे रेडियो बटन, चेक बॉक्स और रेडियो बटन जो है उनको एक ही तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, या जे चेक बॉक्स लिख दें और आगे स्ट्रिंग टेक्स्ट लिख दें, या जे रेडियो बटन लिख दें और आगे स्ट्रिंग टेक्स्ट। तो ये बेसिकली ये भी कंस्ट्रक्टर्स ही हैं। आप पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे छह चेक बॉक्स का। इसी तरह जे चेक बॉक्स, अच्छा एक और ऑप्शन भी है, जे चेक बॉक्स स्ट्रिंग टेक्स्ट कॉम। अच्छा, इसमें देखें दो कंस्ट्रक्टर है। आपको पॉलीमॉर्फिज्म तो मैं पढ़ा ही चुका हूं कि, और फिर मैंने आपको दिखाया था कि कंस्ट्रक्टर जितने भी चाहें आप बना सकते हैं, उन सब के नाम सेम होंगे, सिर्फ उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो ये देखें, जे चेक बॉक्स आप और आगे सिर्फ स्ट्रिंग टेक्स्ट दे दें तो ये सिर्फ एक वैल्यू ले रहा है, यानी टेक्स्ट ले रहा है। अब इसी तरह जे चेक बॉक्स का एक और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि दो वैल्यूज ले रहा है, एक तो ये यही वाला टेक्स्ट ले रहा है कॉमा, और दूसरा क्या ले रहा है, इज चेक्ड बूलियन। यानी बूलियन इज चेक्ड का मतलब ये है कि आप यहां पे टेक्स्ट देंगे जो कि टेक्स्ट यहां अपेयर होना चाहिए, और इज चेक का मतलब ये कॉमा और यहां पे ट्रू दे देंगे तो वो चेक हुआ हुआ होगा, फॉल्स दे देंगे तो वो चेक नहीं हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शुरू में ही चेक बॉक्स बने और वो चेक हुआ हुआ हो या ना हुआ हो, तो वो वाली ऑप्शन आप यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर इसके साथ वही मेथड्स हैं कि आप मालूम करना चाहते हैं कि, अब देखें इज सिलेक्टेड ये आपको बताएगा कि सिलेक्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ये इन दोनों में से, रेडियो बटन के लिए भी इज सिलेक्टेड है और चेक बॉक्स के लिए भी इज सिलेक्टेड है। तो इज सिलेक्टेड आपको बताता है कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है कि नहीं। देखिए, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, प्रोग्रामिंग आप तभी कर सकेंगे जब आप ये देखेंगे कि यूजर ने कौन सा सिलेक्ट किया है, फिर उसके मुताबिक आगे वाला प्रोग्राम चलना चाहिए, सॉफ्टवेयर आगे उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो वो वैल्यू आपने गेट करनी है कि कौन सा रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है या चेक बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो उसके लिए उस चेक बॉक्स या रेडियो बटन का आपने ऑब्जेक्ट लिखें और ऑब्जेक्ट के आगे डॉट इज सिलेक्टेड लिखें, तो डॉट इज सिलेक्टेड आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू करेगा तो इसका मतलब है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, फॉल्स करेगा तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। देखिए, ये आप देखें इंटरफेस जो आप देते हैं ना, आपने फॉर्म्स देखे होंगे इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल चलें वो वाली मिसाल देता हूँ जो आपको समझ भी आ जाए, आपने फेसबुक का फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है जी, शुरू में जो साइन अप फॉर्म है, उस साइन अप फॉर्म में आपने अपना नेम एंटर कर दिया, सारी चीजें, अपना मिडिल नेम फर्स्ट नेम एंटर किया, उसके बाद जेंडर की ऑप्शन थी, जेंडर में क्या था, मेल फीमेल, और मेल फीमेल के अंदर रेडियो बटन लगे होते हैं अक्सर, क्योंकि या तो आप मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्म आपने एंटर कर दिया, आखिर में सबमिट भी कर दिया, अब आपका पेज खुल गया, नया पेज बन गया फेसबुक के ऊपर, यानी आपकी प्रोफाइल बन गई। उस प्रोफाइल में आपने जो सिलेक्ट किया था ना, फॉर एग्जांपल आपने फीमेल सिलेक्ट किया था, तो अब आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली फीमेल आ रहा है। अब वो फीमेल ऑटोमेटिकली कैसे आ रहा है, आप एक प्रोग्रामर की नजर से सोचें, ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस इलिटरेट की नजर से सोचेंगे तो वो कहेगा यार मैंने फीमेल सेलेक्ट किया था तभी तो फीमेल आ रहा है। नहीं, आप प्रोग्रामर की नजर से देखें, उन्होंने फेसबुक वालों ने वो जो फॉर्म था उसमें से आपका वो जो फीमेल ऑप्शन थी वो कैसे ली और उसको उसकी आपकी प्रोफाइल में कैसे डाली, आप प्रोग्रामर की नजर से सोचें। हुआ क्या है कि एक फॉर्म दिया हुआ था और उस फॉर्म में जेंडर का लेबल था, जेंडर कहाँ लिखा हुआ था, लेबल की सूरत में,
और आगे दो बटन थे मेल और फीमेल, वो दोनों क्या थे? रेडियो बटन्स थे, रेडियो बटन्स। अब उसमें से मेल या फीमेल, मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है, तो उन्होंने उन दोनों रेडियो बटन की, देखो उन्हें तो नहीं पता, देखो लाखों करोड़ों लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्होंने पीछे कोड लगाया हुआ है जो उन फॉर्म से फॉर्म्स को रीड करता है और उन फॉर्म से डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है और उसको ऑटोमेटिकली प्रोफाइल बना के उस डेटा को प्रोफाइल में डाल देता है। तो वो जो कोड लिखा हुआ है ना, वो सबके लिए सेम है, जितने आप फॉर्म फिल करते जाए वो कोड आके उन फॉर्म्स में से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और फिर उसको प्रोफाइल पर डाल देगा। कंप्यूटर है ना, सॉफ्टवेयर है ना, ये कोई मैनुअल काम तो है नहीं कि वो हर बंदे का, जो जिस बंदे ने फॉर्म फिल किया है साइन अप वाला फेसबुक पे, वो हर एक का फॉर्म पढ़े और फिर उसको देखें अच्छा ये मेल था, फिर वो प्रोफाइल बनाए और उसके अंदर उसको मेल डालें, उसका नाम डालें, उसने जो तस्वीर दी है वो डालें, नहीं ऐसा नहीं होता। ये तो सब कोड लिखा हुआ है, फेसबुक शुरू में कोड लिख के रख दी, अब वो फेसबुक, अब वो आराम से बैठे हैं जो जिन्होंने कोड लिखा था, अब वो पूरा कोड लिखा हुआ है, लोग बना रहे हैं साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनका प्रोफाइल बन रहा है। वो सारा जो कोड लिखा है ना, आप उस कोड को समझने की कोशिश करें कि वो कोड कैसे लिखा हुआ है। वो कोड ऐसे यही है, कोड के अंदर फिर आप एक एक चीज लिखते हैं, आप कैसे उस, अब आप उस साइन अप फॉर्म का कोड, अगर आपने साइन अप फॉर्म को रीड करना है उसका कोड आप क्या लिखेंगे? आप कोड ये लिखेंगे कि रेडियो बटन वन जो है वो तो मेल है और रेडियो बटन टू जो है वो फीमेल है, तो आप लिखेंगे इफ रेडियो बटन वन सेलेक्टेड, ये देखें ये इज सेलेक्टेड, इफ इफ लिख के ब्रैकेट में रेडियो बटन वन डॉट इज सेलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू। अब इज सेलेक्टेड आपको ऑप्शन देगा ट्रू या फॉल्स की। अब रेडियो बटन वन क्या है? मेल। तो आप कह रहे हैं इफ रेडियो बटन वन डॉट, आगे ये वाला मेथड लिखेंगे इज सेलेक्टेड, आगे लिखेंगे इज इक्वल टू ट्रू, वो इज इक्वल टू होता है, दो इज इक्वल टू लगाने पड़ते हैं कंपैरिजन के लिए। तो डॉट इज सिलेक्टेड आपको दे देगा कि क्या वो सिलेक्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, और आगे अगर वो सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं हुआ हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो आप इफ की बॉडी में क्या लिख रहे हैं? इफ रेडियो बटन वन डॉट इज सिलेक्टेड, आगे दो कंपैरिजन के ऑपरेटर्स देके आगे आप लिख रहे हैं ट्रू। तो अगर ये सिलेक्ट हुआ हुआ है तो फिर ठीक है, और नीचे आप फिर लिख दें कि प्रोफाइल के अंदर, फिर आप नीचे कोड क्या लिखें इफ की बॉडी के बाद, अगर तो सिलेक्ट हुआ हुआ है फिर आप नीचे लिखें कि प्रोफाइल में डॉट जेंडर क्या आ जाना चाहिए? मेल, क्योंकि पहला रेडियो बटन मेल का। एल्स क्या आ जाना चाहिए? प्रोफाइल के अंदर डॉट जेंडर क्या आ जानी चाहिए? फीमेल। तो आपकी इस ऑप्शन में क्या सिलेक्ट हुआ है? फीमेल, तो फिर एल्स वाली बॉडी चलेगी। तो ये देखें अब, और अगर किसी ने मेल कर दिया तो इफ वाली बॉडी चलेगी। तो एक कोड लिखा हुआ है जो कि उस पूरे फॉर्म को रीड करता है और ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रोफाइल जनरेट करता है। तो ये वही चीजें हैं कि इस सिलेक्टेड आपको बताएगा कि कौन सा रेडियो बटन आपने, जितने रेडियो बटन है ना सबको रीड करना है, उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना। ये तो मैंने जेंडर की ऑप्शन दी, इसमें तो दो ही ऑप्शन होती है मेल फीमेल। कुछ ऐसा भी होता है जिसके अंदर 5, 6, 7, 8, 10 ऑप्शन होती है, आपने इफ एल्स लगा के सारे रेडियो बटन को रीड करना है कि अगर पहला रेडियो बटन वन इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू है तो ये वाला काम हो जाए, एल्स इफ रेडियो बटन टू इज डॉट इज सिलेक्टेड इज इक्वल ट्रू है तो ये हो जाए, एल्स, फिर इसी तरह आप पूरी बॉडी लिखते हैं और उनमें से फिर सबको रीड करते हैं। क्योंकि अगर 10 यूजर आएंगे, 100 यूजर आएंगे, तो कोई पहले रेडियो बटन वन को क्लिक करेगा, कोई टू को, कोई थ्री को, आप सबको रीड करेंगे। सबको रीड करने का तरीका यही है इज सिलेक्टेड, क्योंकि इस सिलेक्टेड आपको बताता है कि वो सिलेक्ट हुआ हुआ है कि नहीं।
यही बातें जो मैंने आपको रेडियो बटन के मुताबिक बताई हैं, आप इन्हीं को इम्प्लीमेंट कर लें चेकबॉक्स पे। चेकबॉक्स भी आपको इसी तरह, और फिर चेकबॉक्सेस भी आपको रीड करने पड़ते हैं, रीड करके फिर उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। फेसबुक वाली एग्जाम्पल में रीड करके आपने प्रोफाइल बनानी है, किसी और एग्जाम्पल में रीड करके उसके मुताबिक काम करना। अच्छा जी, पब्लिक सर्च सेट सिलेक्टेड। अब सेट सिलेक्टेड इस सिलेक्टेड से थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि शुरू में ही चीज सिलेक्ट हुई हुई हो, यानी यूजर जैसे ही आए तो एक ऑप्शन सिलेक्ट हुई हुई हो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, उस सूरत में आप सेट सिलेक्टेड और बूलियन सिलेक्टेड आगे ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। यानी रेडियो बटन वन जो कि स्टम डॉग है, रेडियो बटन वन डॉट सेट सिलेक्टेड और आगे ट्रू लिख दें तो आपका ये वाला जो डॉग ऑप्शन होगी ये शुरू में ही सिलेक्ट हुई हुई होगी। सिमिलरली ये जो चेकबॉक्सेज है, चेकबॉक्सेज डॉट सेट सिलेक्टेड और आगे करें तो ये वाला वो होगा। बात समझ आई? अच्छा, अब आप चाहते हैं बटन ग्रुप, अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ रेडियो बटन दैट इंश्योर्स दैट ओनली वन इज सिलेक्टेड एट अ टाइम। अच्छा, बटन ग्रुप पब्लिक वॉइड एड जे रेडियो बटन बटन। बटन ग्रुप का मेथड जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वो चीज ये मेक श्योर करती है कि सिर्फ एक बटन सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है। और ये डॉट एड जे रेडियो बटन बटन, अच्छा डॉट एड, ये जो एड का मेथड है ना, ये नए रेडियो बटन एड करने के लिए, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेम के अंदर रेडियो बटन ऐड करने हैं तो फ्रेम डॉट एड और आगे ये चीज दे दें जे रेडियो बटन बटन। द बटन ग्रुप इज नॉट अ ग्राफिकल कंपोनेंट, जस्ट अ लॉजिकल ग्रुप। द रेडियो बटन देमसेल्व्स आर एडेड टू द कंटेनर, नॉट द बटन ग्रुप। तो जे आप असल में जब जैसे ही रेडियो बटन ऐड करते जाते हैं ना तो वो कंटेनर्स पे ऐड होते रहते, आपस में ग्रुप नहीं बनता, आपको उनका आपस में ग्रुप बनाना पड़ता है। जब आप आपस में ग्रुप बनाएंगे ना तो तभी देखिए आपने जे रेडियो बटन वन बनाया, रेडियो बटन टू बनाया, रेडियो बटन थ्री बनाया, वो सिंपली अपेयर होते जाएंगे आपकी कंटेनर पे, जिस कंटेनर के ऊपर आप कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, फ्रेम पे कर रहे हैं, आप किसी पैनल में कर रहे हैं, उसके अंदर वो ऐड होते जाएंगे, ठीक हो गया। ऐड करने का तरीका क्या होता है कि फ्रेम बनाया तो फ्रेम डॉट ऐड और आगे जे रेडियो बटन और बटन का वो दे दें, या अगर आपने पहले से जे रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका तो आता है जे रेडियो बटन आगे बटन का नाम इज इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन आगे पेरेंथेसिस। अगर आपने शुरू में ही बनाया हुआ है कोई तो आप सिंपल फ्रेम डॉट ऐड और आगे जे रेडियो, उस जो आपने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दें तो वो फ्रेम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब वो तो ऐड होता जाता है लेकिन आप ये तो नहीं बता रहे कि ये जितने मैं रेडियो बटन ऐड कर रहा हूं वो आपस में रिलेटेड है, यानी वो एक ही ऑप्शन के अगेंस्ट रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए आप बात समझे ना, आप 100 रेडियो बटन भी तो ऐड कर सकते हैं लेकिन वो 100 इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे तब होंगे जब आप उनको इकट्ठे करेंगे और आप चाहेंगे उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट हो, तो आप सिंपल ऐड करते जाएंगे तो वो तो ऐड होते जाएंगे। हाँ, उनका आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप जब आप बना देंगे ना तो वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि इस ग्रुप में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, इसीलिए आपको बटन ग्रुप का मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी कंटेनर में ऐड करते जाएं बटन और फिर उस कंटेनर का डॉट बटन ग्रुप कर दें तो वो वाले सारे ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, आइकॉन इमेज कॉन, इमेज आइकॉन, इसको अलाउज यू टू पुट अ पिक्चर ऑन अ बटन लेबल और अदर कंपोनेंट्स। आप बटन के ऊपर या लेबल के ऊपर या किसी और कंपोनेंट के ऊपर कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है
कि एक असल में क्लास है जो कि इमेज आइकॉन की है और वो आइकॉन को इम्प्लीमेंट कर रही है, आइकॉन इंटरफेस है। उसके अंदर मेथड्स हैं और उसके अंदर सॉरी कंस्ट्रक्टर्स हैं, इमेज आइकॉन, इमेज आइकॉन दो कंस्ट्रक्टर है। एक इमेज आइकॉन कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, स्ट्रिंग फाइल नेम ले रहा है, और दूसरा क्या ले रहा है, यूआरएल एड्रेस। यानी एक इमेज आइकॉन ले रहा है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव से अगर कोई इमेज अपलोड करके बटन के ऊपर लगाना चाहते हैं या लेबल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। अगर वो इंटरनेट से उठा के लगाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, इमेज आइकॉन और आगे यूआरएल एड्रेस दे दें, यानी इंटरनेट का एचटीटीपी वो पूरा एड्रेस दे दें उस वेबसाइट का और या उस पूरे पेज का जिसके ऊपर इमेज पड़ी हुई है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इन जे बटन, जे रेडियो बटन, जे चेकबॉक्स, जे लेबल कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स एन आइकॉन, सेट आइकॉन, सेट सिलेक्शन, सिलेक्टेड आइकॉन, सेट रोल ओवर आइकॉन। अच्छा, आप तीन किस्म के कर सकते हैं, सेट आइकॉन भी कर सकते हैं जो कि आइकॉन सेट हो जाएगा, ये इमेज आइकॉन है और ये आइकॉन्स है और उसको आप आइकॉन दे दें, सेट सिलेक्टेड आइकॉन और सेट रोल ओवर आइकॉन। रोल ओवर वो होता है, अच्छा सिलेक्टेड आइकॉन का मतलब है जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे ना तब वो आइकॉन होगा, और रोल ओवर का मतलब है जब आपका उसके ऊपर ये जाएगा ना एरो, रोल ओवर होगा तो तब वो अपेयर होगा। ठीक है जी। अ स्पेशल कंटेनर दैट होल्ड्स, अच्छा जे स्क्रोल पैन क्या होता है, जे स्क्रोल पैन ये देखिए इस तरह की शक्ल का होता है, उसके अंदर ये एक कंटेनर है दैट होल्ड्स अ कंपोनेंट यूजिंग स्क्रोल बार्स टू अलाउ दैट कंपोनेंट टू बी सीन। आपने इस तरह का भी देखा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, अब वो कंपोनेंट जो हैं वो जब ज्यादा हो जाए तो उनको देखने के लिए स्क्रोल बार बन जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि एक जितनी आप चीज़ें डाल रहे हैं, जितने कंपोनेंट डाल रहे हैं, वो कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसके लिए आपको स्क्रोल बार की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रोल बार की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप जो कुछ स्क्रीन पर डालें वो उस स्क्रीन से बढ़ जाए, वो विजिबल स्क्रीन से बढ़ जाए तो फिर आपको स्क्रोल बार की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको चूंकि आप ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्क्रोल बार नहीं बन जाएगी। आपने एक कंटेनर बनाया और उस कंटेनर के अंदर जनाब आपने 1000 कंपोनेंट्स डाल दिए, तो आप क्या समझते हैं वो स्क्रोल बार ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको वो ऑप्शन बतानी पड़ती है। तो अगर आप जे स्क्रोल पैन बनाएंगे और उसके अंदर कंपोनेंट्स डालेंगे तो फिर वो स्क्रोल बार साथ ही खुद ब खुद बन जाएगी। पब्लिक जे स्क्रोल पैन कंपोनेंट, कंपोनेंट रैप्स द गिवन कंपोनेंट विद स्क्रोल बार्स। ये देखें जे स्क्रोल पैन और इसके अंदर आपने कंपोनेंट्स ऐड देने, तो वो जिस कंपोनेंट का नाम देंगे उसके साथ स्क्रोल बार बन जाएगी खुद ब खुद। आफ्टर कंस्ट्रक्टेड द स्क्रोल पैन ऐड द स्क्रोल पैन टू द कंटेनर नॉट द ओरिजिनल कंपोनेंट। तो आपने जब स्क्रोल पैन बना लेनी है फिर ऐड द स्क्रोल पैन टू द कंटेनर, कंटेनर के साथ ऐड करनी है, कंपोनेंट के साथ नहीं, यानी ये जो कंपोनेंट अंदर है ना इनके साथ ऐड ना करें, कंटेनर के साथ ऐड करें ताकि कंटेनर जो भी है उसके साथ ऑटोमेटिकली स्क्रोल पैन बन जाए। ये देखिए कंटेंट पैन ये कंटेनर है, उसके साथ डॉट ऐड करके न्यू जे स्क्रोल पैन और टेक्स्ट एरिया बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। तो ये देखें आपने कंटेंट पैन जो था ना, कोई भी आपने कंटेंट बनाया, देखें कंटेनर्स के भी हम एग्जांपल देखेंगे, आपने कोई भी कंटेनर बना लिया ना, फिर आप समझ रहे हैं कि इस कंटेनर में मैंने जिस तरह एग्जांपल दी 1000-2000 चीज़ें आ सकती हैं तो हमें स्क्रोल बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये समझते हैं तो उस कंटेनर का नाम डॉट ऐड करके और ये आगे न्यू जे स्क्रोल पैन, ठीक है, और ये बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर का मतलब है उसके अंदर बॉर्डर जो होंगे, अच्छा अब उसके अंदर जो कंटेनर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे। आगे चलें, जे फाइल चूजर अ स्पेशल डायलॉग बॉक्स दैट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स फोल्डर्स।
ये आपने देखा होगा ना, ओपन बॉक्स आता है, सेव बॉक्स आता है, वो इस तरह का होता है। तो इनको बनाने के लिए क्या है, जे फाइल चूजर, ठीक है, जे फाइल चूजर स्ट्रिंग करंट डायरेक्टरी। आप उसको कुछ शुरू में देखिए, दो उसके कंस्ट्रक्टर हैं, या तो जे फाइल चूजर करें, उसको कोई वैल्यू ना पास करें, और या फिर जे फाइल चूजर करके उसको कोई भी डायरेक्टरी का नाम दे दें, तो वो शुरू में ही उसी डायरेक्टरी पे ले जाएगा, जैसे ही ओपन होगा ना वो उस डायरेक्टरी पे ले जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, इस जे फाइल चूजर एक क्लास है, ठीक है, ये उस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हैं दो। इन कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ये बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपल, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, जे फाइल चूजर, आगे उसका नाम कोई भी दे दें, जेसी दे दें, इज इक्वल टू न्यू जे फाइल चूजर, और वो या आप ये देना चाहते हैं कोई भी नहीं, या फिर उसके अंदर कोई डायरेक्टरी देना चाहते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया है तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वाले मेथड्स आप कॉल कर सकते हैं। और ये मेथड्स क्या कर रहे हैं, एक है शो ओपन डायलॉग, ये आप डॉट शो ओपन डायलॉग करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स खोलता है, डॉट शो सेव डायलॉग, और यह डॉट, अच्छा अब इसके अंदर डॉट शो ओपन डायलॉग करता है और डॉट शो सेव डायलॉग करता है, या तो ओपन का डायलॉग खुल जाएगा, उसमें यहाँ ओपन ऑप्शन होगी और यहाँ पर कैंसिल की, जब डॉट शो सेव डायलॉग करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेव वाला। आपने देखा होगा ना वर्ड में, आप ओपन को क्लिक करें तो ओपन वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जो कि सिर्फ आपको ओपन में मदद देता है। और इसके अंदर अगर आप डॉट सेव वाला करेंगे तो सेव वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और सेव वाले में यहाँ पे ओपन की बजाय सेव होगा और यहाँ कैंसिल होगा, बाकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो खुद ही डाल देता है, ठीक है। अच्छा, डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, अब इसके अंदर देखें ये सारा हो जाएगा, यूजर देखें ये खुल जाएगा, डॉट शो ओपन डायलॉग बॉक्स ना, इससे ये वाला बॉक्स अपेयर हो जाएगा, हो गया जी बॉक्स अपेयर। अब यूजर ने कोई चीज ओपन करनी है ना, अब प्रोग्रामिंग में तो हमें पता होना चाहिए, अब हमने वो गेट करना है कि यूजर ने क्या ओपन किया था, या हमने अगर सेव डायलॉग वाला बॉक्स आप दिखाया यूजर को तो उसने क्या चीज सेव की है और किधर सेव की है, तो उसके लिए हमें ये वाला मेथड कॉल करना पड़ता है, डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, और ये हमें क्या देता है, पूरी एक फाइल रिटर्न करता है, ये देखिए, ठीक है जी। पब्लिक स्टैटिक इंट, अप्रूव ऑप्शन, कैंसल ऑप्शन, पॉसिबल रिजल्ट वैल्यूज फ्रॉम शो डायलॉग। अच्छा, अब पब्लिक स्टैटिक इंट अप्रूव ऑप्शन या कैंसल ऑप्शन, अब अप्रूव ऑप्शन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जो हमने पिछली दफा डायलॉग बॉक्स में यस ऑप्शन को के साथ कंपैरिजन किया था, एक यस थी, एक नो थी, एक कैंसिल थी, तो आपने वो जे ऑप्शन पैन के अंदर, तो वो डॉट यस ऑप्शन के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं इफ में, इसी तरह अप्रूव ऑप्शन और कैंसिल ऑप्शन के साथ आप इफ में ये देख सकते हैं कि क्या कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया यूजर ने, अगर सिंपल ये खोला तो है लेकिन उसने कोई फाइल सिलेक्ट नहीं की बल्कि कैंसिल कर दिए, तो ऐसी सूरत में आप इफ लगा के कैंसिल ऑप्शन भी चेक करें। आपको तो हर ऑप्शन चेक करनी है ना, यूजर ने क्या किया है, यूजर ने किस फाइल को सिलेक्ट किया है, पहले तो ये देखना है इफ के अंदर, आप देखेंगे अगर तो गेट सिलेक्टेड फाइल, उसने कोई ना कोई सिलेक्ट अगर फाइल की है, फाइल को सिलेक्ट किया है, तो आपको इस मेथड के थ्रू वो वाली फाइल मिल जाएगी, और अगर उसने सिंपली कैंसिल का बटन दबा दिया तो फिर आप कैंसिल ऑप्शन के साथ कंपैरिजन करके ये मालूम कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि ये इंट रिटर्न कर रहा है तो उससे जब ये ऑप्शन मिल जाएगी तो इसमें इंट वैल्यू आएगी, तो वो आप कैंसिल ऑप्शन के साथ कंपैरिजन करके बता सकते हैं। अच्छा जी, जे फाइल चूजर, देखिए आप इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। जे फाइल चूजर मैंने आपको बताया कि ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक
जे फाइल चूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये देखें चूजर टाइप का हमने उसको चूजर नाम दिया है इज इक्वल टू न्यू जे फाइल चूजर। ये देखें ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, हम ये वाला भी कॉल कर सकते थे, इसके अंदर कोई करंट डायरेक्टरी दे देते, ठीक है। एनीवे फिर हमने इंट रिजल्ट चूजर डॉट शो सेव डायलॉग, अब ये देखें शो सेव डायलॉग उसको आ जाएगा, लेकिन ये चूंकि रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, वो रिटर्न हम सेव कर रहे हैं रिजल्ट में। फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इफ रिजल्ट इज इक्वल टू जे फाइल चूजर डॉट अप्रूव ऑप्शन, तो अगर अप्रूव ऑप्शन है तो फिर दिस डॉट सेव डेटा और चूजर डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल डॉट गेट नेम, ये पूरा कोड है। क्या हो रहा है कि अगर तो उसने अप्रूव ऑप्शन सेलेक्ट की है, एक अप्रूव ऑप्शन है और एक कैंसल ऑप्शन है। अप्रूव ऑप्शन का मतलब है कि जो कि लेजिटिमेट है, यानी अगर सेव का डायलॉग बॉक्स नजर आया तो उसने सही तरीके से सेलेक्ट किया और फिर सेव दबाया, ये है अप्रूव एक्शन। अगर उसने सेव डायलॉग बॉक्स नजर आया और उसने आते साथ ही कैंसिल कर दिए तो फिर कैंसिल ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई होगी। तो आप ये क्या करते हैं चूजर डॉट शो सेव डायलॉग और आगे आपने दिस दे दिया, दिस का मतलब होता है ये वाला ऑब्जेक्ट, और ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है चूजर, ठीक है। तो ये दिस को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको लेक्चर्स के अंदर। तो अब ये देखें चूजर के थ्रू आपने इस डायलॉग बॉक्स को शो करवाया, शो डायलॉग हो गया और उसका रिजल्ट इसके अंदर आ गया, ये रिजल्ट के अंदर आ गया, वो उसने जो भी सिलेक्ट किया, उसने चाहे कोई फाइल सिलेक्ट की है, उसको डायरेक्टरी सिलेक्ट की है, वो इस रिजल्ट के अंदर आ गई। अब रिजल्ट को पहले कंपेयर करें क्या ये अप्रूव ऑप्शन है, अप्रूव ऑप्शन का मतलब है कि ये ठीक उसने सेव के अंदर सही तरह से सेव की है फाइल। अगर उसने कैंसिल कर दिया है तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। हाँ अगर उसने वाकई सेव किया है कुछ तो वो क्या सेव किया है वो आप गेट कर सकते हैं, कैसे, दिस डॉट सेव डेटा, ये एक और मेथड है जो कि फाइल चूजर के साथ मौजूद है, सेव डेटा मेथड। लेकिन वो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, दिस के, दिस को, दिस का मतलब है ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली इस टाइम चूजर ही है, लेकिन दिस यूज करना यहाँ पे रिकमेंडेड होता है, ठीक है, क्योंकि चूजर के अंदर कोई और भी, यानी चूजर के थ्रू अगर आपने कोई और डायलॉग बॉक्सेस दिखाए हैं तो मसला हो सकता है। तो आप सिंपल दिस लिखें डॉट सेव डेटा, अब इसके अंदर चूजर डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल के कौन सी, आप ये गेट सेलेक्टेड फाइल आपको फाइल रिटर्न करेगी जो वाला काम हुआ है, उसमें से आप डॉट गेट नेम, उसका आप गेट नेम यानी कौन सी फाइल सेलेक्ट हुई है वो आप गेट नेम आ जाएगा इसके अंदर और वो डेटा सेव हो जाएगा दिस के अगेंस्ट, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक, ये तो था फाइल चूजर, इसी तरह हमारे पास जे कलर चूजर भी है, अनदर स्पेशल डायलॉग दैट लेट्स द यूजर पिक फ्रॉम अ पैलेट ऑफ कलर्स, पब्लिक जे कलर चूजर, पब्लिक जे कलर चूजर। अब कलर चूजर का मतलब ये है कि ये वाला पूरा पैलेट आ जाएगा उसके सामने जब आप इस जे कलर चूजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, और उसके आप शो डॉट शो डायलॉग दिखाएंगे तो शो डायलॉग से ये पूरा डायलॉग आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट बनाएं जे कलर चूजर चूजर का और फिर आगे डॉट शो डायलॉग लिखें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये आपको ये पूरा नजर आ जाएगा। रिटर्न नल इफ यूजर चूज कैंसल ऑप्शन, अब देखें ये या तो रिटर्न नल करता है शो डायलॉग, या डॉट शो डायलॉग वो चीज रिटर्न करता है जो यूजर ने सिलेक्ट की है, मसलन उसने रेड सिलेक्ट की है तो ये देखें क्या रिटर्न हो रहा है कलर, ठीक है, और अब वो रेड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जे मेन्यू बार है, जे मेन्यू बार के अंदर क्या है, द टॉप लेवल कंटेनर दैट होल्ड मेन्यूज कैन बी अटैच टू अ फ्रेम, जे मेन्यू बार आप किसी भी फ्रेम के साथ ऐड कर सकते हैं। तो जे मेन्यू बार एक क्लास है पूरी, उसका ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और उसको अच्छा पब्लिक ऐड जे मेन्यू मेन्यू और फिर उसको आप किसी भी फ्रेम के साथ ऐड कर सकते हैं।
इन जे फ्रेम द फॉलोइंग मेथड एग्जिस्ट सेट जे मेन्यू बार। अच्छा, अब एक आप फ्रेम बना रहे हैं ना और उसके अंदर आप मेन्यू बार लगाना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? फ्रेम बना लें, फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट हो उसके आगे डॉट लिख के सेट जे मेन्यू बार लिख के और ब्रैकेट के अंदर ये जो मेन्यू बार आपने बनाई है ना उसका ऑब्जेक्ट दे दें। दोबारा बता रहा हूँ, आपने एक फ्रेम बनाया, फ्रेम का कोड पिछली स्लाइड्स में मैंने बता दिया। फ्रेम बना लिया, तो फ्रेम बनाया कैसे? ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया ना, हर चीज आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू बनानी है। तो अब फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लिखें और ये आगे सेट जे मेन्यू बार। और अभी आपने एक जे मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले जे मेन्यू बार का भी ऑब्जेक्ट बना लेना। वो जो जे मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट होगा वो इधर ब्रैकेट में डाल दे। तो आपने क्या करना है, फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट सेट जे मेन्यू बार और ब्रैकेट में जे मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट, तो वो उस फ्रेम में एक इस तरह की मेन्यू बार सिलेक्ट बन जाएगी। अब मेन्यू टू होल्ड मेन्यू आइटम्स, मेन्यूज कैन कंटेन अदर मेन्यूज। अब मेन्यूज के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके अंदर कुछ आइटम्स हो मेन्यू आइटम्स, या उसके अंदर कोई और मेन्यू भी आ सकती है जिसको कंपोजिट मेन्यूज कहा जाता है। तो अब आपने करना क्या है, जे मेन्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट, ये तो आप मेन्यू का नाम दे देंगे जो मेन्यू के ऊपर नाम आएगा, ठीक है। ये देखें दो कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब उसके अंदर देखें, ये तो है जे मेन्यू बार, ये और चीज है, ये तो मेन्यू बार। अब ये जो जे मेन्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट है ना, सॉरी, ये जे मेन्यू के अंदर जो आपने टेक्स्ट ऐड करना है। अच्छा, अब जे मेन्यू आइटम एक अलग से ऑब्जेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे, जे मेन्यू आइटम, वो ऑब्जेक्ट आप जे मेन्यू बार के अंदर ऐड करवाते जाए। फिर एक ऐड सेपरेटर का भी ऑप्शन है जो कि सिर्फ सेपरेटर ऐड करेगा, और सेट एम और नेमोनिक भी है, यानी कि एम नेमोनिक ये है कि आप इस तरह के कोई आइकॉन्स अगर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। जे मेन्यू आइटम एन एंट्री इन अ फ्रेम्स मेन्यू बार विच कैन बी क्लिक टू परफॉर्म कमांड्स, ठीक है। जे मेन्यू आइटम स्ट्रिंग टेक्स्ट, जे मेन्यू आइटम स्ट्रिंग टेक्स्ट, या अब जे मेन्यू आइटम एक अलग से क्लास है, आपने हर ऑप्शन को का देखें, मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं वो इटसेल्फ कोई ना कोई एक्शन करती हैं। देखें फाइल, आपने वर्ल्ड में चले जाएं, आप फाइल का मेन्यू देखें, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, जिस तरह न्यू की ऑप्शन है, ओपन की ऑप्शन है, सेव की, तो हर ऑप्शन इटसेल्फ कोई ना कोई आगे से काम करती है, वो इटसेल्फ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह मेन्यू बार के अंदर भी आप जो चीजें ऐड करेंगे, यानी जिनको हम मेन्यू आइटम्स कहा जाता है, वो मेन्यू आइटम्स भी ऑब्जेक्ट हैं। तो आप जे मेन्यू आइटम के पहले ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के आगे ये तीन किस्म के कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक में या आप सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं, एक में टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब है उस आइटम का जो नाम होगा, जिस तरह फाइल के अंदर न्यू ओपन सेव, वर्ड प्रोसेसर के अंदर न्यू ओपन सेव आता है ना, तो ये जो न्यू होगा ये यहां पर आएगा। आपने एक मेन्यू आइटम बनाया, एक ऑब्जेक्ट, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जे मेन्यू बार फाइल की एक बनी है ना, तो उसके अंदर अगर न्यू ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है, तो आपको कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं मेन्यू आइटम टाइप्स के? तीन, एक न्यू का होगा, एक ओपन का, एक सेव का। तो ये मेन्यू आइटम्स बन रहे हैं आप, उनके फिर आगे से कंस्ट्रक्टर्स बन रहे हैं। तो उन कंस्ट्रक्टर्स की जो आपने उनका, फॉर एग्जाम्पल न्यू का नाम क्या होगा, न्यू, वो न्यू इधर देंगे। हाँ, अगर उस न्यू के साथ आप कोई तस्वीर भी लगाना चाहते हैं और जो कि लगी होती है वर्ड प्रोसेसर में, तो आप यहां पे ये दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज कर लें, उसका नाम भी दें न्यू, कॉमा दे के और आईकॉन भी दे दें, वो वाला आईकॉन आ जाएगा। और या फिर आप इस तरह का नेमोनिक भी दे दें, यानी कोई नेमोनिक टाइप का भी आ जाएगा, नेमोनिक टाइप का, सॉरी, ठीक है जी।
अच्छा, अब उसके बाद एक्शन लिसनर भी ऐड करना है, क्योंकि एक्शन लिसनर का मतलब है कि जब न्यू के ऊपर क्लिक किया जाए तो क्या काम होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको एक्शन लिसनर पिछली दफा भी बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का एक्शन लिसनर आप लिख सकते हैं कि उस कंपोनेंट को दबाया जाए तो काम क्या हो, एक्शन क्या हो, वो एक्शन आपको बताना होता है। पब्लिक वॉइड ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, एक्शन लिसनर एल। पब्लिक वॉइड सेट एक्सेलरेटर की स्ट्रोक, अच्छा, और सेट एनेबल्ड और सेट नमनाव, ये आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि अभी हम पहले बता चुके हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स में। अच्छा जी, अब उसके बाद जे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम, जे रेडियो बटन मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम के अंदर आप चेक बॉक्सेस भी देख सकते हैं और रेडियो बटन भी देख सकते हैं। रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स लाइक मेन्यू आइटम्स, तो मेन्यू आइटम्स के अंदर ही ये देखें रेडियो बटन्स के आइटम आ सकते हैं और चेक बॉक्सेस के भी आ सकते हैं, तो उसके लिए अलग से क्लास है, ठीक है। या आप जे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम या जे रेडियो बटन मेन्यू आइटम्स, ये उनके ये इस इधर आप कोई भी जे चेक बॉक्स भी आ सकता है, रेडियो बटन भी आ सकता है, ये उसके कंस्ट्रक्टर्स हैं। और उनके साथ फिर क्या उनसे मेथड अटैच है, ऐड एक्शन लिसनर, कि अगर उनमें से कोई एक चीज़ सिलेक्ट हो जाए तो कौन सा एक्शन होना चाहिए। एक्शन लिसनर की बात हम पहले कर चुके हैं, बाय द वे हम इसको डिटेल में भी शायद करेंगे अगली लैब में। और इसके अंदर इस सिलेक्टेड वाला भी ऑप्शन है कि अगर आप देखना चाहते हैं कौन से इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। सेट सिलेक्टेड वाला भी है, ये भी हम पहले बता चुके हैं आपको। रिकॉल इन अ बटन ग्रुप द फॉलोइंग मेथड एग्जिस्ट डॉट एड एब्स्ट्रैक्ट बटन बटन, आप बटन ग्रुप ग्रुपिंग इनकी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दीज टू क्लासेज एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट बटन, बस बेसिकली ये दोनों क्लासेज जो है ना वो बटन को भी एब्स्ट्रैक्ट बटन को भी एक्सटेंड कर रही हैं, यानी उनकी चाइल्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट बटन में जितने भी मेथड्स होंगे ये दोनों क्लासेज उसको एक्सेस कर सकती हैं। अच्छा, नेमोनिक क्या होती है, मेन्यू हॉट की असाइन टू अ बटन और अदर ग्राफिकल कंपोनेंट। तो बेसिकली हॉट की होती है नेमोनिक जिसके अंदर टेक्स्ट भी है और आइकॉन भी होता है, यूजुअली विजिबल एज एन अंडरलाइंड की एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस की और ऑल्ट प्लस की मेन्यूज। अच्छा, अब अगर आप हॉट की बनाना चाहते हैं यानी उसके साथ कोई शॉर्टकट भी अटैच करना चाहते हैं जिस तरह कंट्रोल प्लस की या ऑल्ट प्लस की, तो फिर आप नेमोनिक बनाते हैं, ठीक है। ओनली वर्क वेन इनपुट फोकस इज ऑन द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट इफेक्ट मेन्यूज यूजेज कॉल सेट मेनोमिक मेथड मेन्यू आइटम ऑल्सो हैव कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नेमोनिक। अच्छा, अब इसके अंदर आप नेमोनिक को सेट कैसे करते हैं, माई क्विट बटन यानी जो भी बटन हो ना उसके साथ अगर आप हॉट की ऐड करना चाहते हैं तो डॉट सेट नेमोनिक और आगे क्यू, अभी यानी क्यू को वो दबाएगा तो ये क्विट बटन खुद ब खुद हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है, ये शॉर्ट की ऐड करने का तरीका है। जे मेन्यू आइटम माई न्यू आइटम इज इक्वल न्यू माई न्यू आइटम, इसमें न्यू का नाम दें और आगे आप नेमोनिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेमोनिक एन, इसका मतलब है ये वाला जो न्यू आइटम का बनाया ना आपने तो ये एन से भी चलता है, या तो आप इसको जाके मेन्यू खोलें और क्लिक करें, यह सिंपल एन का है कंट्रोल या आल्ट के साथ, तो वो खुद ब खुद चल जाएगा। या तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये देखें ना, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि सॉरी, ये या तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप नेमोनिक ऐड कर सकते हैं, या फिर आप नेमोनिक अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड नहीं किया तो उस आइटम को यानी ये इस आइटम का जो ऑब्जेक्ट होगा डॉट सेट नेमोनिक और आगे ऐड कर दें, ठीक है जी। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर ग्लोबल हॉट की कॉम्बिनेशन दैट परफॉर्म एन एक्शन, फॉर एग्जांपल आल्ट एक्स टू एग्जिट प्रोग्राम इवन ऑन कंपोनेंट्स दैट आर्ट इन फोकस कैन बी रन एट एनी टाइम इन द एप्लीकेशन कैन ऑप्शनली इंक्लूड मॉडिफायर्स लाइक शिफ्ट आल्ट क्रिएटेड बाय कॉलिंग द गेट की स्ट्रोक मेथड ऑफ द की स्ट्रोक क्लास एंड पासिंग इट एक्सेलरेटर। इसको कैसे करते हैं कि कोई भी मेन्यू आइटम हो
डॉट सेट एक्सेलरेटर ऐड करके की स्ट्रोक डॉट गेट स्ट्रोक और फिर आगे टी की इवेंट डॉट आल्ट मास्क। अब ये आल्ट और प्लस टी दबाएंगे तो ये वाला मेन्यू आइटम चलेगा, आल्ट प्लस टी। इसके अंदर हमने सिर्फ एक ऐड किया था, ठीक है। अब इसके अंदर हम आल्ट को भी ऐड कर रहे हैं और प्लस टी, बात समझ आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी जे कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स इस तरह के होते हैं, इसकी भी अलग से क्लास है, इसी तरह इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्टर कॉम्बो बॉक्स कैन ऑप्शनली पास अ वेक्टर और मॉडल ऑफ आइटम सी डिफॉल्ट। कॉम्बो बॉक्स को इस तरह आप एंटर करते हैं तो फिर उसके अंदर आप इस तरह इसकी मेन्यू की ऑप्शन होती है, ठीक है, फॉर अ मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके अंदर भी एड एक्शन लिसनर दिया होता है, कॉजेज एन एक्शन इवेंट टू बी सेंड टू लिसनर ए एल व्हेन द यूजर सेलेक्ट्स और टाइप्स अ न्यू आइटम इन द कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन, उसके अंदर से वो जो कुछ सिलेक्ट करेगा तो ए एल के अंदर वो आ जाएगा, फिर ए एल के थ्रू आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकते हैं। तो ये एड एक्शन लिसनर इसके अंदर भी ऐड होता है। अब इसके अंदर आप आइटम्स कैसे ऐड करते हैं, कॉम्बो बॉक्स जे कॉम्बो बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाएं, फिर उसके अंदर डॉट ऐड आइटम लिखें, ऐड आइटम के अंदर फिर आप कोई आइटम का ऑब्जेक्ट एंटर कर दें, वो आइटम क्या होगा, कंपोनेंट ही होगा इसके अंदर, जिस तरह हमने मेन्यू के आइटम्स डाले हैं इसी तरह इसमें भी डॉट ऐड आइटम। अब इसका डॉट गेट आइटम ऐड। अब इसके अंदर आप इंडेक्स, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में इंडेक्सेस है ना, पांच ऑप्शंस हैं, छह ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें गेट आइटम भी कर सकते हैं, यानी थर्ड पे थ्री इंडेक्स पे कौन सा आइटम ऐड हुआ हुआ है, तो अगर आप वो गेट करना चाहें तो वो भी गेट कर सकते हैं। रिमूव ऑल आइटम्स का मेथड है तो वो रिमूव कर देता है। रिमूव आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है कॉम्बो बॉक्स में, तो ऑब्जेक्ट आइटम उसको पास करें तो वो आइटम रिमूव हो जाएगा, या उसको इंडेक्स पास करें, क्योंकि अगर पांच आइटम्स लिखे हैं और आपने पांचवा रिमूव करना है तो पांचवें का इंडेक्स क्या होगा, फोर, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो पांचवें का इंडेक्स फोर होगा, तो आप यहाँ फोर देंगे और रिमूव आइटम एट फोर रिमूव हो जाएगा। तो ये उसके साथ कुछ मेथड्स अटैच हैं। उसके बाद है जी जे कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड आइटम। उसके अब सिलेक्ट आइटम जो जे कॉम्बो बॉक्स को यूजर ने यूज किया तो उसके अंदर उसने कौन सा सिलेक्ट किया, वो गेट करने के लिए वही फिर मिलता जुलता है गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, तो उसका इंडेक्स ऐड हो जाएगा, या गेट सिलेक्टेड आइटम भी कर सकते हैं आप पूरा, या इंडेक्स आप गेट कर लें या पूरा का पूरा आइटम गेट कर लें, या सेट सिलेक्टेड आइटम, उसको शुरू से ही सेट करवाना चाहते हैं आप तो उस आइटम को दे दें तो शुरू में वही नजर आ रहा होगा, सेट सिलेक्टेड इंडेक्स, या इंडेक्स के थ्रू उसको सेट करवा दें तो शुरू में कॉम्बो बॉक्स में वही नजर आ रहा होगा। सेट एनेबल्ड, आपको आपने देखा होगा जिस तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स आप ऑनलाइन करें तो उसमें कंट्री की ऑप्शन होती है, वो एक कॉम्बो बॉक्स है, उसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज दी होती हैं, तो उसमें कोई एक कंट्री जो होती है वो शुरू में ही बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रही होती है, यानी अगर पाकिस्तानी फॉर्म है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर है तो आप वो कंट्री के अंदर आपको शुरू में ही पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप अगर आप उसको सेलेक्ट करें तो आपको मुख्तलिफ और कंट्रीज़ भी उसमें नज़र आ रही होती हैं, या अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हैं ना तो शुरू में यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट हुआ होता है, तो वो कैसे सेलेक्ट हुआ होता है, शुरू में ही आप उसको डॉट सेट सेलेक्टेड आइटम कर सकते हैं तो उससे फिर वही सेलेक्ट हुआ होगा, या इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी इंडेक्स में उस आइटम की जो वैल्यू है वो दे दें तो उसके थ्रू आ जाए। इसी तरह जी सेट एनेबल्ड, पूरे कॉम्बो बॉक्स को आप इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी ये तरीका, सेट एनेबल्ड ट्रू लिखेंगे वो एनेबल रहेगा, सेट एनेबल्ड फॉल्स लिखेंगे वो डिसेबल हो जाएगा। पब्लिक वॉइड सेट एडिटेबल, अच्छा एडिटेबल का मतलब है कि उसको एडिट कर सकते हैं कि नहीं, अक्सर तो कॉम्बो बॉक्स में एडिट की ऑप्शन नहीं होती लेकिन कुछ में हो भी सकती है, करवाना भी चाहते हैं आप तो फिर डॉट सेट एडिटेबल करके और आगे ट्रू लिख दें तो फिर एडिट कर सकेगा यूजर, यानी यूजर उसके अंदर वैल्यू
एंटर कर सकेगा अपनी तरफ से। अच्छा अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनल ये अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हम उसको फाइनल बनाना चाह रहे हैं ताकि वो चेंज ना हो सके, ठीक है। फाइनल का कीवर्ड हमने पढ़ा था, तो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, साथ में फाइनल लिख दिया ताकि ऑब्जेक्ट चेंज ना हो। अब उसके अंदर हम एटम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम जे कॉम्बो बॉक्स का एक बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट एड आइटम मार्टी, डॉट एड आइटम टॉम, डॉट एड आइटम जेसिका। अब उसके अंदर तीन आइटम्स आपको नजर आएंगे, मार्टी, टॉम, जेसिका। अब बॉक्स डॉट एड एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर भी इसके साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, आपको मैंने बताया था एक्शन लिसनर में लाजमी एक्शन परफॉर्म का मेथड कॉल करना है, ठीक है। इवेंट जे ऑप्शन पैन डॉट शो डायलॉग बॉक्स यू चोज प्लस बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। अब इससे तो ये आइटम नजर आ जाएंगे, अब उसके अंदर कौन सा आइटम सिलेक्ट हुआ है तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, सिंपल इस मेथड को कॉल करें बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ये हमें बता देगा कि कौन सा आइटम सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं ना यूजर को कि कौन सा मेथड सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो जैसे ही ये वाला कॉम्बो बॉक्स उसको नजर आएगा यूजर को, यूजर उसमें से कोई भी सिलेक्ट करेगा, मसलन टॉम सिलेक्ट करेगा, तो एक डायलॉग बॉक्स उसको नजर आ जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स हम यहां बना रहे हैं, जे ऑप्शन पैन शो मैसेज डायलॉग, ये तो आपको पता ही है शो मैसेज डायलॉग क्या होता है। और शो मैसेज डायलॉग के अंदर क्या हम लिख रहे हैं, इन ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट है जो कि हम दे रहे हैं, यू चोज कि तुमने ये सिलेक्ट किया है, और आगे हम प्लस करके देखें क्या हम चीज चला रहे हैं, बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, तो जो उसने सिलेक्ट किया। अगर उसने टॉम सिलेक्ट किया तो यहाँ टॉम आ जाएगा, तो डायलॉग बॉक्स क्या नजर आ जाएगा, यू चोज टॉम। गेट कॉन्टेंट पेन डॉट एड बॉक्स और बॉर्डर लेआउट नॉर्थ। अच्छा गेट कॉन्टेंट पेन डॉट एड, कॉन्टेंट पेन यानी वो कॉन्टेंट्स का पेन भी नजर आना चाहिए जिसके अंदर ये जे कॉम्बो बॉक्स है। अब जे कॉम्बो बॉक्स को किसी कॉन्टेंट में डालेंगे ना, किसी कंटेनर में डालेंगे, तो उसके लिए ये वाली लाइन है, समझ आ गई जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जो कि हम जे कॉम्बो बॉक्स पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्विंग की मुख्तलिफ और क्लासेस देखी, लास्ट लैब में भी हमने कुछ क्लासेस देखी थी, इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा क्लासेस देखी जिसमें हमने मेन्यूज भी देखे, फ्रेम भी देखा, कॉम्बो बॉक्सेस देखे, फिर मेन्यूज के अंदर आइटम्स कैसे ऐड करने हैं वो देखे, और इसके हमने बहुत सारी क्लासेस के बहुत सारे मेथड्स भी देखे जो कि मेथड्स अब कॉमनली यूज्ड मेथड्स होते हैं, इनके अलावा भी मेथड्स मौजूद हैं। और अगर आप वैसे भी देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी जे कॉम्बो बॉक्स क्लास है, अगर आप इसके मेथड देखना चाहते हैं, सिंपल सा आप लिखें गूगल में जे कॉम्बो बॉक्स, आगे मेथड लिखें, उसके जितने मेथड्स अवेलेबल हैं वो आपको सारे नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप इनका जे कॉम्बो बॉक्स का कोड आप देख सकते हैं, ठीक, गूगल करें जे कॉम्बो बॉक्स सैंपल कोड, तो आपको जे कॉम्बो बॉक्स के बेतहाशा कोड नजर आ जाएंगे। एक सैंपल तो मैंने ये भी दे दिया, ये भी आप चला के देख लें एक दफा। तो इन्हीं की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने ये जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्लास की आप एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल रन करके देखें खुद से, ठीक है, और देखें कि वो आपको क्या रिजल्ट्स देता है। जब तक ये खुद से रन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप GUI के अंदर इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर एक्शन लिसनर लगा के उन कंपोनेंट्स के साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितनी एग्जांपल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ जो लैब की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो भी ज़रूर करें, ठीक है। अगले लैब के अंदर हम मज़ीद कुछ स्विंग की क्लासेस देखेंगे, ठीक है, और उनके कुछ मेथड्स देखेंगे। तो आज का लैब यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है, अगले लैब में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।